सत श्री अकाल दोस्तों, असीं इस वक्त गाजीपुर बार्डर ते गाजीपुर बार्डर दीआं तस्वीरां दिखाउण लई इत्थे पहुंचे हां, क्योंकि पंजाब दे विच हरियाणे दे विच ते बाकी सूबिआं दे विच गाजीपुर बार्डर इस वक्त मुख जो किसानी दा धुरा बन चुके आ। हर एक गल करदा कि गाजीपुर बार्डर दे की हालात है। गाजीपुर बार्डर तों ही 26 तरीक तों बाद राकेश टकैत दे हंझू डिगे, तां उहनां हंझूआं तों बाद जो जिहड़े जन सैलाब उठिआ, जो वड्डी गिणती दे विच पंचायतां दे विच मते पए, जो यूपी दे विच महापंचायत होई, हरियाणे दीआं खाप पंचायतां बैठीआं, तां उह गाजीपुर बार्डर तों जिहड़ी 26 तारीख तों बाद जदों पुलिस राकेश टकैत नूं चक्कण आई, तां उदों बाद तों सारा कुछ चलिआ। तां असीं इस वक्त तां गाजीपुर बार्डर ते जिथे ट्राली दे विच यूपी तों किसान आए हुए आ, उहनां नाल असीं गल्लबात करांगे। हांजी, क्या नाम आपका? मोनू सरोई जी। मोनू सरोई, कहां से आए हो? बुलंदशहर से। बुलंदशहर जी। नाम टिकोली, तुझे बताओ ना, क्या 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 वहाँ योगी सरकार रोके लगा रही है किसानों को, यहाँ मतलब मोर्चे पे ना पहुँचे किसानों? ये रोका लगा रहे हैं जी, जो किसानों को परेशान किया जा रहा, और कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। ये इन्होंने बांटने की बात की कि ये लोग आंदोलन बन जाए, अब सिख और हिंदू के नाम पे बट जाए, ये इनकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान एक है, सभी एक रहेंगे, सभी किसान भाई हैं। आप क्या बोले? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये किसान को बांटने की साजिश है बीजेपी सरकार की, ये नाकाम हो जाएंगे इसमें, ये नहीं बटेगा। अब किसान आंदोलन जाग चुका है, किसान जाग चुका है, ये सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। कितनी बड़ी गिनती में यूपी से अब लोग आने को तैयार हैं? हम जी करीबन करीबन 10 लाख, 10 लाख जो आ चुके हैं, और 10 लाख पंचायत हो रही है जो आएंगे। योगी सरकार और मोदी सरकार को हिला देगा किसान? अब हिला दिया। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जिस तरह से माहौल बनाया गया कि राकेश टकैत को गिरफ्तार करने के लिए आए, और जब उनके आंसू गिरे तो यूपी में क्या क्या, उसके बाद क्या क्या चेंज आया? मैं बताऊंगा। राकेश टकैत के जो आंसू आए वो धरती पर गिरे, धरती पर किसान जागे, उनकी भूमि, किसान की भूमि, हमारी भूमि, सबकी एक भूमि, वो जो उनके आंसू गिरे, उन्होंने ये भाषण कल भी दिए थे, क्या हमारी भूमि आंसू भी पड़े तो मेरी मट्टी उठा के लाओ किसान, यहाँ बैठ के जागो। हाँ, तुसी दसो, जिहड़े आंसू गिरे तो उसके बाद क्या क्या मतलब बदलाव है यूपी में, क्या क्या चेंज हुआ यूपी में, क्या क्या बदलाव है यूपी में? बहुत बड़ा बदलाव है, किसानों में बहुत ज्यादा रोष है। ठीक है, साहब के आंसू नहीं गिरे, ये किसानों के खून गिरे, खून गिरा। आने वाले टाइम में 2022 में ये बीजेपी गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि राकेश टिकैत को जो आंसू निकले हैं वो आंसू नहीं, एक सैलाब है जो आने वाले टाइम में इस सरकार को गिरा देगा, और किसानों की सरकार बनेगी। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, ना हम किसी पार्टी के साथ, हम किसान हैं, और हम सिर्फ अपनी जाति कौम, किसान कौम, जाट कौम के साथ हैं, हमेशा हम अपने जाट कौम के साथ रहेंगे। राकेश टिकैत हमारे नेता हैं, और वही हमारे आने वाला टाइम निश्चित करेंगे कि हमें किसको वोट देनी है। आने वाले टाइम में जितना भी होगा, ज्यादातर ज्यादा किसान सब राकेश टिकैत के साथ है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में वोटिंग होगी। 2022 में ये बीजेपी गवर्नमेंट गिर जाएगी। जैसे कुछ मीडिया चैनल को सरकार बता रही आंदोलन खत्म हो गया जी, कोई किसान नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या? ये आंदोलन खत्म ना हुआ है ना होगा, ये आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ये 3 कानून नहीं वापस नहीं होंगे, MSP का गारंटी नहीं बनेगी, और हर किसान का एक अपना एक जुनून है आज की तारीख में, सब ये चाहते हैं कि ये 3 कानून अलग हों, गवर्नमेंट इसको कैंसिल करे, MSP पे कानून बनाए। ये सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसी है, इसे किसान नहीं मानेगा, अपनी जमीन नहीं देगा, और हम सब जाट कौम, किसान कौम, हम राकेश टिकैत के साथ। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में तो MSP मिलती है, यूपी में बहुत सारे एरिया है उनमें MSP नहीं है, तो क्या क्या भाव पे आपको फसल बेचनी पड़ती है? मैं दूंगा। MSP पे होता क्या है, जब MSP ओनली जब किसान फसल उठाता, सपोज मानो गेहूं की फसल आती है, तो मंडी में किसान जाता है,
तो जो सरकारी गल्ले का जो दुकान होती है वो मंडी के लास्ट वाले गेट पर होती है, वहाँ तक किसान नहीं पहुँच पाता। MSP है 1900 सपोज मानो, वहाँ क्या है किसान पहली मंडी में रुक जाता है 1800 1700 1500 इस रेट में देता है, जबकि गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा गल्ले की दुकान खोलनी चाहिए वो शुरू में लगे मंडी में, जबकि होती क्या है गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है बनियों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा उठाने के लिए वो क्या करते हैं सरकारी गल्ले की दुकान को बैक में लगाते हैं और एक दिन तोल होती है उसमें फिर 10 दिन तोल नहीं होती, उसमें भी कहते हैं जी टोकन ले लो ये ले लो, किसान एक बार जब अपने खेत से फसल उठा लेगा उसके पास 10 दिन का टाइम नहीं है कि वो 10 दिन टोकन ले और मंडी में खड़ा रहे। हम गवर्नमेंट ये चाहते हैं MSP बने किसान के खेत से ही गल्ला उठना चाहिए, गेहूं उसकी फसल बिकनी चाहिए, हर गाँव में सरकारी गल्ले की दुकान खुलनी चाहिए। गन्ने की पेमेंट का बड़ा चक्कर पड़ता है यूपी में, उसके बारे में बताओ। गन्ने की पेमेंट में किसान बहुत परेशान है, एक एक दो दो साल का गन्ने का पेमेंट का कोई हिसाब नहीं, दो साल का पेमेंट रुका हुआ है हमारा जी पिछले। किसान बहुत परेशान है, किसान को फसल अपनी उधार में बेचनी पड़ रही है गन्ना, एक साल पहले जो गन्ना दे दिया उसका पैसा अभी तक नहीं मिला, और किसान यूरिया खरीद रहा यूरिया नहीं मिल पा रहा, जो क्या नाम है पेस्टिसाइड लगता है वो नगद खरीदना पड़ता है, उसके लिए किसान कर्जा लेता है, कर्जा लेने के लिए मजबूर है, और इस समय किसान की बहुत ज्यादा हालत खराब है। हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस नियम को चेंज करे, तीनों काले कानून वापसी करे और MSP पे कानून बनाए, किसान के गांव गैल हर गांव से जो फसल उठनी चाहिए उसकी किसान खरीदे सरकारी। गन्ने का रेट पे जो हम गन्ना तोल रहे हैं इस साल, पिछले साल भी तोला, उस पर अभी तक हमारी पर्ची पे रेट नहीं डाला है, जीरो रेट है, कोई रेट नहीं है, कोई बढ़ा नहीं है रेट, पिछले 4 साल से कोई रेट नहीं बढ़ा, जीरो बैलेंस है, मोदी ने ना कोई पैसा पहुंचे, किसान बहुत परेशान है। हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, मोदी जी आप इस चीज को सुधार देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो आने वाले टाइम में इस BJP गवर्नमेंट का सत्यानाश हो जाएगा। जो BJP की धर्म पे बांटने वाली पॉलिसी होती है, हर बार जब भी आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन को किसी सिरे पे नाल जाके उनको बांट के लोगों को आपस में आंदोलन को खत्म करने की राजनीति, क्या वो फेल हो चुकी है पूरी तरह? फेल है बिल्कुल। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी धरने को खत्म करने की वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, किसान मजदूर जाग चुका है, हर गांव से हर क्या नाम है कस्बों से किसान मजदूर सब इकट्ठे होके आ रहे हैं इस धरने में, अपना सहयोग दे रहे हैं, यहाँ लंगर चल रहे हैं, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है, गांव में खेती भी चल रही है हमारी और हम सब यहाँ बैठे हैं। जैसे जो मेरा लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जो पहले बोल रही थी सरकार के जो आंदोलन है ये पंजाब और हरियाणा का है, आप देख रहे हैं कि यूपी के किसान अब ये मतलब सरकार बार बार ये टैग लगाने के लिए कि बाकी देश के किसान तो खुश हैं जी, ये दो प्रदेश के किसान ही यहाँ पे धरना लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे देश का किसान परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में भी आज आंदोलन हो रहा है, MP में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, ये पूरे कर्नाटक में भी आंदोलन चल रहा है किसानों के, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आंदोलन चला हुआ है किसानों की अपनी मजबूती देने के लिए, और ये MSP पे कानून लाए सरकार और ये तीनों कानून काले कानून जो है वो बिल्कुल रद्द करें। क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो 3 बिल है और MSP कानून है ये बनाएगी या इसी तरह अपने अड़ियल रवैये पे रहेगी? झुकना पड़ेगा कि जो सरकार को झुकना पड़ेगा, अगर हिंदुस्तान के अंदर अराजकता ना फैले इसके लिए हिंदुस्तान में सरकार को मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और ये तीनों कानून वापसी लेने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा। देखो तुसी तस्वीरां दिखाईयां थोनों ट्राली दे अंदर है, यूपी दे किसान बैठे है गाजीपुर बार्डर ते, इन्हां दा यह कहना है कि ना यह अंदोलन किसी जात दा ना धर्म दा, यह सारयां दा सांझा अंदोलन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई दा नारा लगाया जा रहा है, नाल ही उन्हां कहा कि यूपी हुण वड्डे पद्धर ते जाग चुक्या है ते यूपी दे विचों लगातार किसानां दा इत्थे आउणा जारी है, राकेश टकैत दे कि इशारे दी लोड़ है ते इत्थे लखां दी गिणती दे विच किसान पहुँच जाणगे। कैमरा परसन लहमनदीप दे नाल मनिंदर जी सिद्धू, जिंदाबाद चैनल, गाजीपुर बार्डर।